Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. My name is Tanya and I make daily vlogs. But there were a lot of people who were having a lot of questions related with my profession, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ जॉब करती हूँ और मेरी जर्नी क्या है कॉर्पोरेट की. So without further ado, let's get into the video. So the first question जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हो, that is related with my profession. मेरा जो designation है वो है senior HR और मैं यहाँ नोएडा में job करती हूँ. So the second question is आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हो कि आपने अपनी corporate journey कब start की थी और कैसी चल रही है. So उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि after completing 12th मैंने केबिन क्रू के लिए भी बहुत बार अप्लाई किया था. मैं स्पेशली बरेली से गुड़गांव आती थी इंटरव्यू देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, सो उस वजह से मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया. वहाँ का जो क्राइटेरिया रहता है ना वो ऐसा है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए, बट मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट नहीं था तो उस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था. फिर केबिन क्रू का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया था. उसके बाद मैं वाज लाइक कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था केबिन क्रू के लिए और इसके अलावा मुझे जो अपनी फील्ड चूज़ करनी थी वो मेरे इंटरेस्ट की ही चूज़ करनी थी. सो मैंने उसके बाद में सोचा कि मैं क्या करती हूँ. पहले फिर मम्मा डैडी ने बोला कि फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन और उसके बाद में कुछ प्लान करना. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है. फिर मैंने फोकस किया ग्रेजुएशन पे, मैंने बी कॉम कम्प्लीट किया और उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि चलो अब HR में जाना चाहिए. सो मैंने HR स्ट्रीम चूज़ किया एंड देन आई कम्प्लीटेड माई MBA. उसके बाद में फिर मैंने HR के लिए जॉब्स अप्लाई करी. सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैं वापस से नोएडा आई थी और मैंने एज एन HR रिक्रूटर ज्वाइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन नोएडा ओनली. और उसके बाद में वहाँ पे मैंने आई गेस 7 to 8 months काम किया था एज एन HR रिक्रूटर. वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि आपको कैसे सोर्स करने है कैंडिडेट्स, कैसे ऑनबोर्डिंग करनी है. सो एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम देयर. उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने एक इंडस्ट्री दोबारा से अपनी चेंज कर ली. आई डोंट नो, उस टाइम पे जब आप नए नए रहते हो ना तो आपको लगता है कि आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. सो एज पर मी ऐसा नहीं करना चाहिए. आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपका इंटरेस्ट है HR में तो आप HR के लिए ही जाओ, है ना. फिर आप बार बार अपनी स्ट्रीम को चेंज मत करो. अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में तो आप उसको करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स मत करो, है ना. सो उसके बाद में मैंने क्या किया कि मेरे को दूसरी जगह अच्छी सैलरी मिल रही थी तो मैंने वो छोड़ करके दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया था. और मेरे पास में उस टाइम ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. आई वॉज ओनली हैविंग द एक्सपीरियंस फॉर 7 months. फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन की और वो मैंने वहाँ पे एज अ पैरालीगल ज्वाइन किया था. सो दैट वॉज अ लॉ फर्म और वहाँ पे मेरे को लॉ से रिलेटेड चीज़ें ही थी तो मेरे वो तो समझ से बाहर थी. ऑल्दो आई ट्राइड माई 100%, मैंने सोचा था कि इंडस्ट्री इज़ गुड बट नहीं हो पा रहा था. सो वो 3 months उधर मैंने काम किया एंड देन आई लेफ्ट दैट कंपनी. फिर उसके बाद में मैंने एक मीडिया एजेंसी ज्वाइन करी थी जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. फिर मैंने मीडिया एजेंसी ज्वाइन करी और वहाँ पे मैंने 1 या 2 months काम किया. उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और उन लोगों ने मेरी सैलरी भी मुझे नहीं दी थी. मैंने कैसे सर्वाइव किया है वो मैं जानती हूँ. यहाँ पे फ्लैट के एक्सपेंसेस बेयर करना और बाकी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने घर वालों से बार बार नहीं बोल सकते ना कि आप हमें पे करो उस चीज़ का, बिकॉज अब आप इंडिपेंडेंट बनने आए हो तो ऑब्वियसली आपको अपने एक्सपेंसेस खुद से बेयर करने पड़ेंगे. सो फिर उस टाइम पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरे पास में. तो फिर मम्मा डैडी को मैंने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए होंगे क्योंकि मुझे रेंट पे करना है. सो दे वर लाइक ओके डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ इट. डैडी ने ऐसा बोला और उन्होंने हमें पे किया. फिर उसके बाद में मैंने पूरा 1.5 महीना लॉकडाउन में अकेले फ्लैट में रही हूँ मैं और बहुत मुश्किल था वो मेरे लिए. सारी फ्लैट मेट्स अपने घर चली गई थी और मैं अकेली थी, मतलब कुछ नहीं था करने के लिए. एंड मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना कि मुझे लगता था क्या करूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था. एंड एक टाइम पर तो ऐसा हुआ कि मैंने वो सोचा कि चलो मैं गिव अप कर देती हूँ, मैं वापस घर जाती हूँ. बट नहीं, फिर मैं डैडी को मैंने बोला कि आप मुझे यहाँ से लेके जाओ. उन्होंने पास अरेंज किया और लॉकडाउन में मेरे को अपने घर वापस ले गए. फिर भी सामान था तो ऑब्वियसली रेंट तो पे करना ही था, चाहे आप जाओ आप रहो कुछ भी करो.
तो फिर उसके बाद में मैंने घर से रेंट पे करती रही। फिर मेरे को एक वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब किया। वो आई थिंक मैंने वो दो साल किया होगा। वो मैंने पहली ऐसी जॉब थी वो जो 2 साल की थी। अच्छा पे नहीं कर रहे थे बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सारे लोग जॉबलेस थे और सबको जॉब चाहिए थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि जो भी मिल रहा है आई थिंक आई शुड ग्रैब दैट। तो फिर मैंने वो जॉब की। उसके बाद में फिर मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिल गया था HR का, फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। सो आई वर्क देयर फॉर 2 to 3 years। फिर उसके बाद में वहाँ पे काम करने के बाद में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा HR में ही। सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी अच्छा पे करे, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट HR में है तो मुझे HR में ही रहना है। फिर उसके बाद में मेरे को एक और जगह ऑफर मिला जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा ऑफर था मेरे लिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2022 में और अभी भी करेंगे आई एम वर्किंग देयर। सो इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प रिलेटेड विद दी जॉब और कुछ भी सजेशंस चाहिए, सो यू गाइज कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरी सिंगल थिंग कि आप लोग इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपको कैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो स्टिल आई एम ऑन द लर्निंग फेज, अभी भी मैं सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। वर्क का लर्निंग फेज तो हमेशा लाइफ टाइम चलता रहता है। सो बट स्टिल आई एम लर्निंग अ लॉट। अभी भी मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, नया नई चीज़ें सीखती हूँ, तो मुझे जो भी आता है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी हेल्प चाहिए, सो डू लेट मी नो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट, बाय बाय, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल।